नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अयोध्या में मंदिर विवाद जल्द सुलझाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो चाहते हैं कि वर्षों से चल रहे इस मामले का निपटारा अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि मध्यस्थता के जरिए अगर इस विवाद का निपटारा हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पक्षकारों से अपने मध्यस्थों के नाम आज ही कोर्ट के समक्ष देने को कहा। निर्मोही अखाड़े और मुस्लिम पक्षकार तो मध्यस्थता के साथ जाने को तैयार दिखे, लेकिन हिंदू महासभा ने भी ना नुकुर के बाद अपने मध्यस्थों के नाम सर्वोच्च अदालत को सौंप दिए। मध्यस्थों के नाम मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में जल्द आदेश निकाल सकता है, जिससे कि इस विवाद का निपटारा जल्द से जल्द हो पाए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि वर्षों से लोग देश की सर्वोच्च अदालत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर वो दिन वो लम्हा कब आएगा जब इस विवाद का निपटारा होगा, क्योंकि इससे पहले भी अदालत के बाहर ना जाने कितने मध्यस्थ आए और चले गए, लेकिन ये विवाद आज भी जस का तस बना है। ऐसे में आज लोकतंत्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मध्यस्थता के जरिए इस विवाद के निपटारे की गुंजाइश है। क्या मुस्लिम पक्षकार विवादित जमीन से अपना दावा छोड़कर हिंदुओं की आस्था के लिए बड़प्पन दिखाएंगे, और क्या सभी पक्षकार मध्यस्थों के फैसले को स्वीकार करेंगे? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। सालों से त्रिपाल में रह रहे भगवान श्री राम अब मंदिर में विराजमान होंगे। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा? दरअसल ये सवाल वर्षों से लोग पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सालों से सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात कहकर लोगों की आस एक बार फिर जगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता करने वालों की सूची मांगी। हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़े ने मध्यस्थों के नाम दिए, लेकिन कुछ पक्षकार मध्यस्थता की बात से खुश नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सभी पक्ष मध्यस्थता की बात को स्वीकार करेंगे? क्या आपसी बातचीत के जरिए मंदिर का मुद्दा सुलझ सकता है? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था का विषय। सालों से राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। खुद भगवान राम सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इंसाफ की आस में सालों बीत गए, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन रामलला को अब तक इंसाफ नहीं मिला। न्याय की आस लगाए करोड़ों राम भक्तों को न जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा। राम मंदिर मसले को कोर्ट के बाहर सुलझाने के लिए न जाने कितने मध्यस्थ आए और चले गए, लेकिन यह मुद्दा ज्यों का त्यों बना रहा। अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या क्या किस किस पक्ष ने क्या कहा है? देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए, और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है, और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है, यह मुद्दा लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब भी वो समय को जाया करना चाहते हैं, हम लोग समय को अब आगे बर्बाद नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के जरिए पर इंसिनुएशन करना है, अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए के लिए भी हम ये कहेंगे तो वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। क्या कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहस सुनी, उसके बाद ऑर्डर करा जाए, ऑर्डर होगा उसके बाद देखा जाएगा। देखिए सर, आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता की बात करने का विरोध करने वाले हिंदू महासभा ने मध्यस्थता के लिए 3 जजों के नाम सौंपे। हिंदू महासभा ने पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, पूर्व जज ए.के. पटनायक और पूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर के नाम दिए, जबकि निर्मोही अखाड़े ने भी मंदिर पर मध्यस्थता के लिए 3 जजों के नाम दिए, जिसमें पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ, ए.के. पटनायक और जी.एस. सिंह भी शामिल।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता की बात पर पक्षकार क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाते हैं। नहीं देखिए, विरोध की बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि निर्मोही अखाड़ा भी इस चीज को स्वीकार किया और धर्मदास जी की, और हम खुद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी हैं और नरोत्तम जी हैं और तमाम लोग हैं, और अपनी तरफ से कहा गया, देखिए हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए, केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मध्यस्थता सुरक्षित रखा तो मध्यस्थता तो उसको तो कोई के जिम्मा तो लगाना चाहिए, सुरक्षित रख लिए तो क्या हुआ, सबको सामने आएगा तब तो पता लगेगा क्या मध्यस्थता के आदेश किया है। सुप्रीम उच्चतम न्यायालय यदि जनभावनाओं की उपेक्षा करके उच्चतम न्यायालय 70 साल के बाद भी ये बात कहेगा, उच्चतम न्यायालय सारे साक्ष्य उत्खनन पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर सबको अगर उपेक्षित करके अब फिर अगर इस तरह से मामला को लटकाएगा तो लोग फिर कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर का निर्माण संवैधानिक दायरे में हो और उच्चतम न्यायालय आदेश करके तो देखे, हम लोग स्वीकार करेंगे। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 3 जजों के बेंच ने फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, जबकि तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है, वर्षों से सिर्फ तारीख मिल रही है और अब मंदिर पर मध्यस्थता की बात कही जा रही है, जिससे ये मसला आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। ये मामला जमीन के साथ साथ करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या मध्यस्थता से मंदिर का मुद्दा सुलझ जाएगा? क्या मुस्लिम पक्षकार अपना दावा छोड़कर हिंदुओं की आस्था के लिए बड़प्पन दिखाएंगे? क्या सभी पक्षकार मध्यस्थ की बात को मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि वर्षों से लोग देश की सर्वोच्च अदालत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर वो दिन, वो लम्हा, वो घड़ी कब आएगी जब इससे विवाद का निपटारा होगा, क्योंकि इससे पहले भी अदालत के बाहर न जाने कितने मध्यस्थ आए और चले गए, लेकिन ये विवाद आज भी बना का बना हुआ है। ऐसे में एक बार फिर सर्वोच्च अदालत की तरफ से मीडिएशन की तरफ फोकस करना, क्या वाकई में इस समस्या का समाधान अदालत के बाहर हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से इस वक्त 2 खास मेहमान हैं। शुएब आलम हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, साथ ही हिंदू धर्मगुरु आचार्य कृष्ण बिहारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सौरभ बसु हैं प्रयागराज से, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, कानूनी पक्ष जानने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही AIMIM के प्रवक्ता अजमल खान साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत आचार्य जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अगर 1% भी चांस बचता है कि मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझ सकता है तो प्रयास होने चाहिए, आपको कितना भरोसा है कि मध्यस्थता के जरिए विवाद का निपटारा हो सकता है? हो सकता है यदि भारतीय जो हमारे मुस्लिम हैं वो थोड़ी सी भारतीयता निभाएं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो उदारवादी है। असली में दूसरी बात यह है कि राम जन्मभूमि और कहीं नहीं हो सकती है। हम यदि और कोई मंदिर हमें बनाना होता ना तो कहीं पर भी बना देते। लखनऊ में हमने देने के लिए इन लोगों को कहा है कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सेंटर प्लेस है, आपको बहुत बढ़िया जो है बना करके और साथ सम्मान उसको जो है दिया जाएगा और भाईचारा भी बना रहेगा। और कुछ लोग जो है तैयार भी हैं, कुछ मुस्लिम, पर कुछ कट्टरपंथी जो हैं वो कहते वो उलझाए रखना चाहते हैं, वो जो है कुछ ना कुछ जो है ये प्रपंच अपना जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भोले भाले मुस्लिम भाइयों के लिए भड़काते रहते हैं और उनको जो है ये लगता है कि इसको चला दो तो हमारी राजनीतिक जो है रोटियां सिकती रहेंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कश्मीर में हो रहा है, उनके बच्चे जो उलझाए हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे विदेश में, और जो गरीब बेचारे मुस्लिम हैं भाई हैं जिनके लिए जो नहीं, उनको थोड़ा सा प्रलोभन दे करके और हमारे देश में जो है आतंकवाद फैला रखा है। इसी प्रकार से बहुत अच्छे लोग हैं
और हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कई ऐसे उत्सवों में जैसे अमरनाथ की यात्रा में उसमें भी मिलता है कि बहुत मुस्लिम भाई जो है हमारे सहयोग करने के लिए खड़े रहते हैं, वहाँ पर भी जो है बहुत मदद करते हैं। तो अच्छे और बुरे सब जगह सुमत कुमत सबके और रहें, नाथ पुराण निगम अस्कहीं, अच्छाई बुराई सब जगह है, परंतु जो वास्तविक में मुस्लिम धर्म धार्मिक हैं जैसे कि रसखान हुए हैं और बहुत सारे मुस्लिम हमारे हुए हैं जिन्होंने ईश्वर अल्लाह को एक माना, परंतु जो धार्मिक अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा वो तो जो है धार्मिक होगा ना, जो केवल राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। आपकी नजर में वो कट्टरपंथी कौन है जो विरोध कर रहे हैं? उन्हें ये पता है कि राम जन्मभूमि और कहीं नहीं हो सकती, मस्जिद और कहीं बन सकती है, तो वो जिनको पता है फिर भी नहीं मान रहे, जैसे कि इस समय पर मान लो कि बजे हैं हमारे 7 और वो कहेंगे नहीं जी हम नहीं मानते, हम तो अमेरिका का समय मानेंगे, तो अब उनको जबरदस्ती क्या, कोई सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसको कौन जगा सकता है? तो जो जानते हैं कि राम जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती है और सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं वर्ण में, तो इसलिए जो है उनको हमें थोड़ा उदारता बरतना चाहिए और भाईचारा निभाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद कहीं पर भी बन सकती है पर राम जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती। ठीक है शोएब आलम, आपकी बात पर कुछ रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं। साथ ही शोएब आलम, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो मुस्लिम पक्षकार जो मध्यस्थता के पक्ष में है, ये सिर्फ दिखावा भर माना जाए या वाकई में कोशिश है कि आपसी बातचीत के जरिए विवाद अगर सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता? देखिए, इस देश का मुसलमान शांतिपूर्वक हमेशा से रहा है और भगवान राम जी जो खुद शांति के दूत हैं, हम उसी रास्ते पर चलते रहे हैं हमेशा। लेकिन सवाल तब उठता है जब निर्मोही अखाड़ा और जो हिंदू पक्षकार के जो लोग हैं वो ये बयान देते हैं कि हम एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे और चैलेंज करते हैं कि अगर कोर्ट सही फैसला नहीं देगा तो हम कानून अपने हाथ में लेंगे। तो ये जो धमकी देने के अंदाज में आप सामने आते हैं तो ऐसे लोगों से मध्यस्थता की क्या उम्मीद की जाए? दूसरी बात, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इससे अलग रख दिया जाए तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू और मुसलमान। तो आप सर्वोच्च अदालत ने कहा है ना कि एक पैनल का गठन किया जाए जो इससे पूरे मामले में विचार विमर्श करे और जो भी डिसीजन हो उसके बाद कोर्ट के मोहर लगने के बाद वो फैसला अमल में लाया जाए, तो वो राजनीतिक दलों से जुड़े लोग तो नहीं होंगे ना, स्वाभाविक है। दूसरी बात के मध्यस्थता की जहां तक बात आई है तो मुसलमान जो है वो इस पर तैयार शुरू से था, लेकिन चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पैनल हम बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने यह कमान खुद संभाली है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदर करता आया है। और लेकिन आप देखिए कि उनके नेता क्या कह रहे हैं, हिंदू महासभा क्या कह रहा है कि हम एक इंच भी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। मध्यस्थता किसको कहेंगे आप टेक्निकली देखिए? सर मुझे ये बताइए ना, आपने हिंदू पक्षकारों का जिक्र तो ये कर दिया कि उनमें से कई लोग हैं जो बीच में कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने के प्रयास में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी इकबाल अंसारी, वो स्टिंग ऑपरेशन भूल गए क्या जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि आने दीजिए कोर्ट का फैसला, देखेंगे अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे, तो ये क्या माना जाए? देखिए स्टिंग ऑपरेशन तो जांच का विषय है, जहां तक बात आज की, मंशा तो जाहिर होती ना, जांच तो होती रहेगी लेकिन मंशा तो स्पष्ट हो गई ना कि आप ऑन कैमरा क्या बोलते हैं, ऑफ कैमरा आपकी जुबान क्या कहती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आज मुस्लिम पक्षकार के वकील जफरयाब जिलानी साहब का ये आया है कि हम जो है मध्यस्थता के पक्ष में है, गरचे सुप्रीम कोर्ट इसमें पैनल बना करके इसका डिसीजन ले, लेकिन मध्यस्थता आप किसको कहेंगे? मध्यस्थता इसको नहीं कहेंगे कि मुसलमानों को बिल्कुल भी वहां से हटा दिया जाए और सारा का सारा हक आपको दे दिया जाए। मध्यस्थता बीच का रास्ता होता है, क्या बीच के रास्ते के लिए हिंदू महासभा तैयार होगा? वो तो एक इंच की जमीन छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि वहां नहीं है। हिंदू महासभा ने भी इनकार किया था शुरुआत के दौरान और उसके बाद हालांकि नामों की सूची सर्वोच्च अदालत में दे दी है, लेकिन अभी भी कई हिंदू पक्षकार हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मसला है और ये मध्यस्थता के जरिए हो नहीं सकता, अगर होना था तो पहले ही हो जाता। इस पर कानूनी राय क्या कुछ निकल सकती है? हमारे साथ सौरभ बसु साहब प्रयागराज से जुड़े हैं, आप अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के। सौरभ बसु जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, सर्वोच्च अदालत ने जो एक अवसर और दिया है, अच्छी बात है अगर सर्वोच्च अदालत को लगता है कि अगर इतनी सी भी गुंजाइश है कि बातचीत से विवाद सुलझ सकता है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपको गुंजाइश उतनी भी है जितनी कोर्ट ने मध्यस्थता की गुंजाइश जाहिर की, चाहे 1% हो, 1% आपको लगता है कि कोर्ट के बाहर यह विवाद सुलझ सकता है? हाँ, एकदम सुलझ सकता है, ये बहुत बार कोशिश भी की गई है और इस बार जब
फाइव जजेस बेंच ने इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको कहा है। और इसमें देखिए जो प्राविधान है हमारे संविधान में सीपीसी में, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्राविधान दिया गया है, वो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सेक्शन 89 ये प्रोवाइड करती है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, कि ये आप मध्यस्थता कर सकते हैं ये कोर्ट के बाहर भी। तो मध्यस्थता करने के लिए पहले भी ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। जस्टिस पलोक बसु साहब ने खुद इसको किया था, 5-6 साल इसको बैठ के दोनों ने मध्यस्थता किया है इस चीज को। और ये मुद्दा तो भी सुलझ सकता है जब आपसी एक, देखिए आज जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये कि सेंटिमेंट का मामला है, ये यहाँ पे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद, जो चीज आप उठा रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर जाके आप बात करना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको सेंटिमेंट्स की बात दोनों पक्ष को सुनते हुए किया जाएगा, तो वो मध्यस्थता इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे। और सेक्शन 89 ये प्रोवाइड करता है, ऑर्डर 10 रूल 1A में कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि आप मध्यस्थता करें इसमें। और मध्यस्थता करने के लिए जो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू महासभा इसको अग्री नहीं कर रहे हैं या मुस्लिम पक्ष कोई अग्री नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी प्राविधान है। आप पहले एक फॉर्मुलेट करेंगे कि आपने ये प्राविधान आपके हैं, ऐसे ऐसे प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से आप मध्यस्थता करेंगे, उसको दिया जाएगा सारे पक्षों को, जो तीन पक्ष हैं तीनों को दिया जाएगा। वो लोग आपस में अपना विचार रखेंगे कि किसको किस चीज पे हामी भरनी, किस चीज पे वो अगेंस्ट हो रहे हैं, वो चीज वो कहेंगे, फिर से वो रिफॉर्मुलेट होता है, फिर से वो जाएगा कि अब पैनल के सामने ये चीजें हैं, अब इस चीज पे आप बताइए कि क्या आपको, आपके विचार क्या है। ठीक, जब एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, एग्रीड हो जाएंगे जी। सौरभ बसु साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि मध्यस्थता की जो बात अब कोर्ट की तरफ से कही जा रही है, इसकी नियम या शर्तें क्या हो सकती हैं या फिर क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, ताकि कोई फॉर्मूला निकल पाए? देखिए फॉर्मूला तो ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने ये चीज कह दिया था कि तीनों पार्टी को ये दिया जाएगा 1/3 शेयर का। ये 2.72 एकड़ का मामला है, लैंड डिस्प्यूट है, जहां पे रामलला को एक पोर्शन दिया गया, निर्मोही अखाड़ा को एक पोर्शन दिया गया है, और एक पोर्शन हिंदू महासभा को दिया गया, जो जहां पे ये और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक पोर्शन दिया गया, तीन पोर्शन में ये बांटा गया है। अब ये मध्यस्थता करनी है कि क्या इस पे आप अग्रीड है, आप क्या अग्रीड इस पे ही है कि कहीं और जाके आप मस्जिद बना सकते हैं कि वहीं आप बनाएंगे। इस चीज को आप पूरा बैठ के जब तक आपस में नहीं होगा, तब तक ये चीज सेटल नहीं होगी। और ये बहुत एक बहुत दूरदर्शिता दिखाई गई है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, कि आप मध्यस्थता की बेसिस पे इसको बैठ के आपस में एक व्यू पॉइंट देंगे, ताकि कोई पॉलिटिकल अफेयर बाद में इसको फिर कोई अप्रूव ना कर सके। एक चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, और दैट विल बी वंस फॉर ऑल। पहले इस चीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके व्यूज क्या है, और लिटिगेंट्स खुद कहेंगे इस चीज को, जो पक्षकार है वो खुद अगर कहते हैं, तो बाकी किसी को कहने के कोई आवश्यकता नहीं। ठीक सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मध्यस्थता जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ये वाकई में कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, और ये दूरदृष्टि के साथ लिया गया एक डिसीजन है, बिल्कुल इसकी सराहना होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब इससे पहले प्रयास होते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, साल 2010 में जब फैसला आया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ था ये सभी को मालूम है। इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संजीव चौधरी मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं, जबकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ललित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले मैं अजमल खान साहब आपके पास आऊंगा, अगर वो डिसीजन स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि अभी वकील साहब भी बता रहे थे कि 2010 में जिस तरह का डिसीजन अदालत की तरफ से हुआ था, हाईकोर्ट की तरफ से, अगर वही स्वीकार्य होता तो मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुंचता ही क्यों? देखिए अक्षय जी, हमने बार बार ये कहा है कि हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सबको सम्मान करना चाहिए। अभी तक जितनी मध्यस्थता की बात हुई है वो या तो किसी ने एप्लीकेशन लगाई है सुब्रमण्यम स्वामी की तरह, या प्राइवेट लोगों ने एफर्ट किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि हम इस पर अभी फैसला करेंगे,
और जो ऑब्जर्वेशन पढ़ने में आए हैं उसमें भी डिसेंट है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच का, डिसेंट होना भी चाहिए। अब अगर सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता का फैसला लेती है तो हमें उस फैसले का अपने इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है, मुकदमा पेंडिंग है, अगर मुकदमे का फैसला भी होगा तो क्या आज हम प्रेडिक्ट कर देंगे क्या फैसला आएगा? अब कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो अलग बात, लेकिन हमें अपनी संस्था का सम्मान करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा है कि इसमें मध्यस्थता होनी चाहिए तो मेरा ये मानना है सर मुझे एक चीज का जवाब दीजिए ना, हाल में सम्मान होना चाहिए। मंशा पर सवाल तब खड़े होते हैं जब आज राजीव धवन साहब की तरफ से जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता भी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि एक बार जो अनुवाद है उसको जांचने के लिए 8 से 12 सप्ताह की मोहलत दी जाए, तो कैसे भरोसा करें कि मंशा ठीक है, ये मामले को फिर लटकाने की कोशिश नहीं हो रही क्या? अच्छा अगर मध्यस्थता की बात ना होती और राजीव धवन साहब ये लीगल सवाल उठा देते तो उसका क्या जवाब होता? सर इसके पहले जांची नहीं गई, इसके पहले जांची पर की नहीं गई थी, इस पे मंशा कहाँ खड़ा हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं कही थी ना, किसी वक्त भी कहा जा सकता है, जो सवाल लीगली वैलिड होंगे वो कभी भी किसी भी स्टेज पे उठाए जा सकते हैं, इसमें मंशा का क्या सवाल पैदा होता? अभी बात ये हो रही सर, मंशा पर सवाल तब खड़े होते हैं ना अजमल खान साहब, जब एक तरफ आप कहते हैं कि मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए हम भी यही चाहते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में मौका मिलने पर आप मामले को लटकाने की कोशिश करते हैं, मंशा पर तब सवाल खड़े होते हैं खान साहब। जब सुब्रमण्यम स्वामी मध्यस्थता सीख करें तब कोई सवाल मंशा पे खड़ा नहीं होगा। सर उन पर भी होते हैं, उनकी तरफ से उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, तब मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। ये लीगल प्रोसीडिंग में अगर आप लोग मंशा निकालेंगे वकीलों के बयान पे तो बड़ी दिक्कत होगी, ये समझ लीजिए। सर सवाल तो ये ना कि एक तरफ आप लोग दुहाई इस बात को लेकर देते हैं, हरीश श्रीवास्तव जी उसको चलने दीजिए। एक ब्रेक पर जाने से पहले एक रिएक्शन मैं आपसे लूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा कि मंशा की तो बात है ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि राजनीतिक लोगों को अगर इस विवाद से दूर कर दिया जाए तो समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा, अगर राजनीतिक दल के लोग नहीं अगर अधिवक्ता इस तरह के प्रयास करते हैं कि मामला किसी तरह से लटक जाए तो बात तो यही है कि काले कोर्ट में भी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं वो तो देखिए ये तो प्रामाणिक है, कपिल सिब्बल साहब ने तो कहते थे कि उन्होंने कोर्ट से कहे थे कि 2019 तक आप इसको पेंडिंग में डालिए, और राजीव धवन तो बार बार उसको कोई न कोई रास्ता निकालते हैं कि वो ताकि ये पेंडिंग में जाए। देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान है और पूरे देश की जनता माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ ये निगाहें लगाए देख रही है कि भाई उच्चतम न्यायालय इसमें क्या कार्रवाई करता है। सबकी अपेक्षा थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें न्याय करे, लेकिन ये लगातार जिस तरह से इस मामले को टाला जा रहा है, जिस तरह से इसको कोई न कोई इस तरह के उसमें लगातार 3-4 बार तो इसकी डेट डाली गई। मीडिएशन की बात कह रही है, ठीक है अच्छी बात है मीडिएशन से कोई रास्ता निकले उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से इसमें डेट तय हुई थी और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी सुनवाई को अब तक डे टू डे किया होता तो अब तक इसका निर्णय कुछ सामने आ गया होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं एक और टाइम बाइंग सिचुएशन न बने। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, सबने मीडिएशन के लिए नाम भी दिए हैं, ये तो बहुत शुभ लक्षण होगा कि मीडिएशन से कोई रास्ता निकल जाए और ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो इसका। बात कर रहे हैं अयोध्या विवाद मामले की जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है, कोर्ट चाहता है कि मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद का निपटारा हो ताकि सामाजिक सौहार्द भी बना रह पाए, और बाकायदा सभी पक्षकारों से नाम भी देने को कहा गया है जिनमें से कुछ पक्षकारों की तरफ से अदालत के सामने नाम भी दे दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई अदालत के बाहर मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद का निपटारा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रयास हुए लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ललित शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या आप लोगों को भरोसा है कि मध्यस्थता ठीक जरिया है, इससे विवाद सुलझ सकता है? सबसे पहले तो जो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो हमारी पार्टी हमारे नेतृत्व पहले कह चुका है कि हम सबको सम्मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का ही ये आदेश है कि मध्यस्थता कीजिए, विवाद निपटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता करिए, तो मध्यस्थता करने के लिए जो जो पक्ष तैयार है वो बैठ के बातें करें, मध्यस्थता से अगर यह हल होगा तो हम तो मध्यस्थता के भी साथ हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से होगा
तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मध्यस्थता जो आप भी बता रहे हैं कि बहुत पहले भी मध्यस्थता का दो तीन बार हो चुकी है, आचार्य जी आऊंगा मैं आपके पास, मध्यस्थता भी हो चुकी है कई बार, ये कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन किन्हीं कारण से नहीं चढ़ पाई। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट अगर मौका देना चाहती है तो ठीक है, अच्छी बात है, मध्यस्थता के थ्रू के साथ ही इसको आप सुलझा लें बैठ के, तो इस अच्छी बात और कोई नहीं होगी। अब तो आपकी पार्टी भी राम मंदिर के भव्य निर्माण के पक्ष में है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टी या एक ही कोई विचारधारा, भगवान राम की कह दे जी हम ठेकेदार हैं, भगवान राम, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि ये देश किसी एक का है, ये देश सबका है, तो ऐसा नहीं कि हम भी पक्षधर हैं, हम तो शुरू से पक्षधर थे, अगर हम शुरू से पक्षधर नहीं होते तो हम शुरू से ही ये जो मध्यस्थता वाली जो आज तक कामयाब नहीं, बात अलग है, लेकिन हमने कोशिश तो की थी कि मध्यस्थता तो हमारे टाइम में भी हुई, लेकिन अब दोबारा से अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो अब कर लीजिए, पक्षधर हम शुरू से भी थे और भक्त हम शुरू से भी थे, ऐसा नहीं कि आज से हम। चले आप पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल साहब का बयान जब कोर्ट में कुछ होता था तो उसके बाद सवाल उठते थे कि ये कैसा पक्ष है कि आप साथ भी हैं और साथ खड़े दिखाई भी नहीं देते हैं। मैं संजीव चौधरी मेरा सवाल आपसे है, अब तो आपकी पार्टी के मुखिया भी कह रहे हैं कि अगर हमें अवसर मिला राम मंदिर निर्माण का तो हम चूकेंगे नहीं, हम भी मंदिर बनाने के पक्ष में हैं, आपको लग रहा है कि अब जल्द से जल्द डिसीजन होना चाहिए? देखिए ये मुद्दा ऐसा है, इसको सभी पार्टी के लोग, ये पूरा देश चाहता है ये मुद्दा सुलझ जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ के, सब कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस मुद्दे को सुलझाना नहीं, वर्षों से टाट में बैठे हुए नहीं चाहती, आप कह रहे हैं सब चाहते हैं फिर भी, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो है श्री राम, 35 करोड़ों के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इनको राजनीति की ही इस तरीके की करनी है, इनको ना विकास की राजनीति करनी है ना किसी रोजगार की राजनीति करनी है। क्या है जी, आप लोग भी उसी रास्ते पर चल पड़े क्या, जो आरोप लगाते रहे कि बीजेपी राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती रही, अब हम भी इसका फायदा उठा लें? कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य निर्णय है, उसको सब लोगों को मानना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कोर्ट को एक निर्णय और ले लेना चाहिए कि ये जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं, रात को बोलते हैं कि सुबह तक हम मंदिर बना देंगे, ये इस तरीके की राजनीति करते हैं, इन पे भी लगाम लगानी चाहिए सर, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए, जो आपकी पार्टी के संरक्षक हैं, जो ये कहते थे कि अगर मौका मिलता है तो 40 और ना सही, 40 पर गोलियां और दगवाते। देखिए मैं बताऊंगा उसका, वो उस टाइम कानून की बात थी, वो उस टाइम कानून की बात थी, यदि आप उस गद्दी पे बैठे हुए होते, वो उस समय की बात थी, देखिए मैं बताता हूं, आप साल यदि आप उस गद्दी पे बैठे होते के दौरान कानून करते हैं। कानून सर्वोपरि है चौधरी साहब, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले संजीव चौधरी साहब, कानून बताइए तो फिर स्वीकार कीजिए कि उस वक्त कानून का खिलवाड़ किया गया, नहीं किया जा सकता। कानून 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान संजीव चौधरी आपकी पार्टी के संरक्षक कहते हैं, ये क्या वोटर्स को लुभाने के लिए नहीं था कि अगर उस समय हमें अगर जरूरत पड़ती तो 40-50 और ना सही गोलियां चलवा देते, ये क्या था? बोलने तो दीजिए, मैं खुले मन से कह देना चाहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो निर्णय लिया था वो कानून के हित में निर्णय लिया था, उनका जो उस समय की बात छोड़ दीजिए ना, उस समय वो सत्ता में थे, ये किसी की सोच हो सकती है, लेकिन उनका निर्णय कानून के साथ था, कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं सर, कर मुझे सकता, ये तो बताइए, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। अरे सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, ये 2017 का बयान मैं बता रहा हूँ, उस समय क्या जरूरत थी कि इस बात का याद दिलाने की कि उस समय हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, 15-16 मारे थे, और अगर जरूरत होती तो हम 40-50 और मरवा देते, इसका मतलब बताइए। कानून हाथ में लेगा तो आप यदि उस गद्दी पे बैठे रहेंगे तो आप क्या करेंगे सर? 2017 में मुलायम सिंह किस गद्दी में बैठे हुए थे? हो सकता है, सुनिए, हो सकता है वो 40 की बात हुई हो, अगर वहाँ कानून ना लागू किया जाता हो सकता है वहाँ कई सौ आदमी और मर जाते। आपकी पार्टी इस पक्ष में है ना, इस पक्ष में थी ना कि उस वक्त माहौल बिगड़ता और भी गोलियां चलवा देते। माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए अक्षय जी, मैं शोक आ रहा हूँ जवाब चौधरी साहब से, हम ये कह देना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस टाइम जो निर्णय लिया था वो कानून के हित में था, तो बोलिए कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यही लोग अब अगर ये उस टाइम ये कानून हाथ में ले रहे थे तो ये अच्छा था, अब ये आज ये कानून की दुहाई देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर सवाल तो है ना कि कानून का संविधान का पालन करने की दुहाई तो सब देते हैं, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी जब पालन की बात आती है तब पीठ पीछे शब्द कुछ और होते हैं। हमने कभी भी कानून, चौधरी साहब नेताजी का बयान अभी सुना दूंगा मैं आपको, देखिए ना जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ना तो हमने कानून हाथ में लिया ना। सर मेरी बात सुनिए, तो ये कहने का मतलब क्या था, ये कहने का मतलब क्या था कि अगर जरूरत होती तब जरूरत थी तो चलवाना था ना, चलवाई नहीं थी क्या? देखिए 2017 में कहां पर गोलियां चलवाने का इरादा था, किसको
उन्होंने ये कहा था कि कानून सबसे सर्वोपरि है, हाँ। कानून के सामने कुछ नहीं है, हाँ। तो ये गलत नहीं कहा उन्होंने, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। ये नेताजी ने कोई नई बात नहीं बताई ना लोगों को कि कानून सर्वोपरि है। हरीश श्रीवास्तव जी से इसकी बात नहीं की, हरीश श्रीवास्तव जी इस पर जवाब दीजिए, निर्णायक गद्दी पे बैठे हुए, जवाब दीजिए फिर मैं शोभ साहब, उन्होंने एक निर्णायक गद्दी पे बैठे हुए थे, उन्होंने जो कानून हाथ में ले, सर 2017 में नेताजी मुलायम सिंह यादव गद्दी पर नहीं थे, किसको अधिकार है मारने का? नेताजी गद्दी पर नहीं थे, पार्टी का संरक्षक बनाकर छोड़ दिया आप लोगों ने, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी। देखिए वो किसको झुटला रहे हैं, वो पार्टी का चौधरी हो, ये मुद्दा नहीं है ना आज या कांग्रेस का नेता, मुद्दा ये मंदिर का जुड़ा मुद्दा है, आज अगर आप नहीं गिनाएंगे तो आप पर भी सवाल रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनिए, एक एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं दोबारा मैं आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के लोग सर ऐसा नहीं चलता है ना, आपकी राजनीति के चलते कीचड़ उछाली है, वो आपके दामन पर कीचड़ उछाले, कांग्रेस को गोली मरवाया, वो केवल वोट की राजनीति चलते, वोट को सिक्योर करने के लिए विशेष को कुछ करने के लिए ये मुलायम सिंह जी ने किया था, और उसी का उन्होंने वो जो उन 2017 में मुलायम सिंह ने जो मन से जो बात कही थी वो केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने कहा था, और ये आत्मश्लाघा थी उनकी कि ये उन्होंने तीर मार दिया कि इतने कार्यसेवकों को मरवा दिया, जरूरत पड़ती तो और मरवा देते। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से राजनीति करती रही, अगर कांग्रेस राजीव गांधी, राजीव गांधी ने अगर उस समय शिलान्यास न रोका होता, अगर उस समय शिलान्यास न रोका होता ये विवाद न खड़ा होता। ये तो कांग्रेस और इनका दोनों का स्टैंड रहा कि एक वर्ग विशेष, इनको लगता था कि एक वर्ग विशेष का वोट अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमको मिलता रहेगा, और उसी के कारण उसी के चलते इन्होंने इस विवाद को इतना उलझाया और इस विवाद को लगातार इस वर्ग विशेष के वोट के लिए कांग्रेस और उलझाने की कोशिश की ही गई है। इस बात को स्वीकार कर रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में भी राजनीति से बात नहीं आ रहे, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी मौजूदा वक्त पर बात कीजिए, अगर कोर्ट मध्यस्थता की बात करता है तो नियम शर्तें आपके हिसाब से क्या होंगी? अगर विवादित जमीन की हम बात करें तो अगर उसमें 2010 वाला फैसला ही अगर लागू करने की बात कही जाती है मध्यस्थों की तरफ से, तो फिर कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं अक्षय जी, देखिए ये तो जो पक्षकार हैं वो तो मध्यस्थता तो उनके बीच में होगी, पक्षकार अपना जो उनका स्टैंड होगा वो बताएंगे, लेकिन जहां तक सवाल इसका है कि जो सामान्य दृष्टि से एक राम भक्त के नाते, एक नागरिक के नाते जो मैं इस विवाद को जिस रूप में देख रहा हूं उसके नाते मैंने ये बात कही कि माननीय उच्चतम न्यायालय जितने दिन से इसको लगातार इसकी सुनवाई टाल रहा, लगातार एक के बाद एक कोई न कोई कारण बना के ये मामला टलता जा रहा, अगर उसने सुनवाई की होती तो अब तक ये निर्णय हो गया होता और सभी कोई वैसा पक्ष नहीं था जिसको वो मान्य न होता, कोई किसी को कहने का अवसर नहीं होता, ठीक है। अब ये जो मीडिएशन एक ये जो धर्म एक आस्था का विषय है, एक भाई मुस्लिम समाज के लोग ये सब जानते हैं कि जन्मभूमि एक ही जगह पे होती है, पुरातत्व विभाग की खुदाई में अनेक प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन एक पक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है, तो सवाल इस चीज का, एक मीडिएशन किस चीज का होगा? तो अब यह है कि मीडिएशन में क्या निकल के आता है ये तो समय बताएगा, परंतु तो फिर हम यही तो सवाल उठा रहे हैं कि मध्यस्थता के जरिए विवाद का निपटारा हो जाए। अजमल खान साहब आपको कहीं जाना भी है, मैं आपसे ही अगला सवाल कर रहा हूं कि हम यही तो कह रहे हैं कि अगर मध्यस्थता के जरिए बातचीत के जरिए ही विवाद का निपटारा होना होता तो अब तक तो हो चुका होता। देखिए अक्षय जी, क्या जो मध्यस्थता की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो भी सीबीसी में प्रोवाइडेड है, कानून के तहत बात की है, कानून के सर्वोच्च संस्था ने की है, अभी तक जो मध्यस्थता की बात होती रही वो बाहरी लोगों ने की है, ये भी कानून का फैसले का एक हिस्सा है भाई। अगर इस तरह से बातें की जाएंगी तो तब गलत होगा। हमने बार बार कहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की को बनाए रखना है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट और ऐसी संस्थाओं को नहीं बनाए रख सकते तो फिर अनार्की होगी। बाकी बात की गारंटी क्या मुस्लिम पक्षकार देंगे? अजमल साहब, इस बात की गारंटी मुस्लिम पक्षकार देंगे? जो भी मध्यस्थता के जरिए नतीजा निकलेगा वो स्वीकार्य होगा, बाद में कोई इफ एंड बट नहीं लगेगा? इस सब की कोई गारंटी नहीं, गारंटी एक बात की है कि हमें अपनी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके अंदर भी जो 5 जजेस थे उसमें जजों ने अपनी एंसर जाहिर किया है, लेकिन फिर भी जो फैसला है उसका सम्मान करना चाहिए। किसी बात की करेंगे सर, वही तो पूछ रहा हूं, गारंटी क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।
हर फैसले के बाद जहां कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ प्रोवाइड करता है अगली अदालत में जाने पर वहां जाएंगे। अगर दोनों पक्ष गए थे तो दोनों पक्षों ने कोई गलती नहीं की थी। हाँ, गलती नहीं, वो आपका अधिकार था, लेकिन सवाल ये ना कि गारंटी इस बात की क्या है शोएब आलम कि मध्यस्थता के जरिए जो नतीजा निकलेगा। उससे मैं जानना चाहता हूँ क्या वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आएगा? सर मुझे बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट अगर 2010 के फैसले का आधार बना लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ही लेकर रहा है मैटर को। मुझे आप ये बताइए, मुझे बताइए, एक तरफ सर्वोच्च अदालत ने पहले कहा कि ये जमीन विवाद के तौर पर हम इस मामले का निपटारा करेंगे, अब कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का विषय है और इसलिए हम इसको जमीन विवाद के तौर पर ही नहीं लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है आपको जानकारी है खान साहब? उन्होंने कहा कि ये केवल पार्टियों के बीच का विवाद नहीं है, जानकारी है। दो समुदायों को लेकर विवाद है, हम मध्यस्थता के माध्यम से। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, आप यहाँ पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो वाइज होने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस हैं, यही हमारी, वो जस्टिस हैं और सुनिए, संवैधानिक पीठ में शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता के माध्यम से लाखों लोगों को कैसे बांधेंगे, इतना आसान होगा क्या? अजमल खान साहब, के जज से लेके हर कानूनविद को अपने अपनी राय रखने का पूरा हक है। जो चंचूर साहब ने कहा है वो भी सही है। हाँ। लेकिन ये भी सही है कि सेक्शन 89 सीपीसी में प्रोविजन है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझता है मेजॉरिटी से कि इसमें मध्यस्थता होनी चाहिए तो किसी को उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सर उंगली कोई नहीं उठा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि कितना भरोसा किया जाए कि इस विवाद का कोई निपटारा हो पाएगा मध्यस्थता के माध्यम से, क्योंकि इसके पहले प्रयास हुए हैं। अजमल खान साहब, आपको कहीं जाना ना किया जाए जब मध्यस्थता की प्रोसीडिंग। सर एक तरफ गारंटी भी नहीं दे रहे हैं, एक तरफ आप लोग गारंटी देने को तैयार नहीं है कि अगर मध्यस्थता के माध्यम से कोई फॉर्मूला निकलता है तो मान जाएंगे। आप गारंटी नहीं देने को तैयार है। मैं तो दोनों पक्षों से जानना चाहूंगा, जितने भी पक्ष हैं सबसे जानना चाहूंगा कि क्या इस बात की गारंटी कोई देगा इन पक्षकारों में से, क्योंकि आप लोगों की सहमति से ही मध्यस्थता हो सकती है। यही मध्यस्थता का कारण। शोएब आलम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको कहीं जाना भी। अजमल खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन शोएब आलम, हमारा सवाल वही है कि गारंटी क्या इस बात को लेकर सभी पक्षों की तरफ से होगी कि मध्यस्थता के माध्यम से जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, सब स्वीकार करेंगे? देखिए मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट तरीके से ये बात कह दूं कि इस देश के मुसलमान के लिए मंदिर और मस्जिद का मुद्दा देश से बड़ा नहीं है। हमारे सामने मुद्दा विकास का भी है, बेरोजगारी का भी है, लेकिन जो सियासी पार्टियां इसको अपना मुद्दा बनाना चाहती हैं उससे इस देश का 25 करोड़ मुसलमान अपने आप को अलग करता है। इसको हम लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है ये मामला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो रास्ता निकलता है देश का मुसलमान उस पर सहमति जताता है। जमीन से आस्था के आधार पर करोड़ों लोगों की आस्था है तो आप लोग स्वीकार। लेकिन अगर आप मध्यस्थता की बात करते हैं और कहते हैं कि हम एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे तो मैं ये सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है कि अगर भव राम मंदिर के लिए मुसलमान वहां पे सहयोग करता है तो उसी जगह पर भव मस्जिद के लिए हिंदू पक्षकार सपोर्ट करेंगे? ये सवाल है हमारा, ये सवाल हम हिंदू पक्षकारों से भी पूछेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक्सेप्टेबल होगा? हाँ ना, मैं सिर्फ जवाब दे दीजिए, बाकी मैं उनके पास जाऊंगा। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा, चूंकि कोर्ट का काम जो है निर्णय देना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट भी ये समझ रही है कि हिंदू पक्षकारों के पास कोई ऐसा प्रूव नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है। झांकने लगते हैं जिसके बगले क्यों झांकते हैं स्पष्ट जवाब देने में? मुझे स्पष्ट जवाब दीजिए कि मान्य होगा या नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो 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 जजमेंट देगी उस पर तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मानना चाहिए। लेकिन अगर आप मध्यस्थता की बात आएंगे मानेंगे, तो बहुत अंतर है जमीन आसमान का। आचार्य जी कैसे भरोसा करें? करते हैं कि कैसे भरोसा करें? सर सभी का चिट्ठा है, सभी का चिट्ठा है। आलम साहब बेफिक्र रहिए, जितने भी पक्षकार हैं सबका चिट्ठा है। मैं यही कहां से राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है? कौन फंडिंग कर रहा है मंदिर और मस्जिद? मुद्दा नहीं, कौन फंडिंग कर रहा है? तो सर मुद्दा क्या है? इतने वर्षों से बेरोजगारी का है, मुद्दा देश की तरक्की का है। सर क्यों नहीं खत्म कर देते? सामाजिक सुरक्षा का है, क्यों नहीं खत्म कर देते? सर मुद्दा इतने वर्षों से चल रहा है, आप कह रहे हैं मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मुद्दा तो आप सभी पक्षों ने बनाया। बेरोजगारी नहीं है आपका मुद्दा, आपका मुद्दा राजनीति है। हम यहाँ पर हरी जी, मैं आपके पास आचार्य जी, आचार्य जी सर प्लीज प्लीज सुनिए। देखिए यहाँ पे एक्सपोजर हो गया है,
कि आप मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहते, अगर मुद्दा सुलझ जाता है तो बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इस देश का मुसलमान मंदिर का मुद्दा इलेक्शन में नहीं लाने देगा। जो मेरी बात तो मेरी बात तो चलेंगे। इससे पहले हर बार जब जब चुनाव आए तब यही कहा गया कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब अदालत की तरफ से अगर ये कहा गया कि आप आपस में बातचीत के जरिए सुलझा लीजिए, आप हाँ ना कहने की स्थिति में नहीं है आचार्य जी, फिर कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, यदि ये तीनों जो हमारे पैनलिस्ट जैसे अभी कह रहे हैं, यदि ये 2019 में नहीं बनाना देना चाहते हैं, नहीं ये मुद्दा नहीं बनाना देना चाहते हैं तो छोड़े। अब जो राजीव धवन जी कह रहे हैं कि अभी 8-12 हफ्ता के लिए थोड़ा रोक नहीं, एक सवाल आलम साहब का, मुद्दा भी नहीं आलम साहब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मीडिएटर्स के माध्यम से फॉर्मूला निकलता है कि विवादित जमीन पर तो उसके लिए मदद करें ना, पक्षों का अधिकार है, कर्मण्येकं महात्मा नाम मनस्संयत वचस्संयत कर्मण्येत दुरात्मा नाम, यहाँ पर नियति दिख रही है। जी मेरे सवाल का चाहे क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्या जवाब ले रहे हो, देख रही है आचार्य जी, सारी बातें छोड़िए। जैसा कि अभी आलम साहब कह रहे हैं कि अगर अदालत की तरफ से फैसला मुस्लिम पक्षकारों के पक्ष में आता है तो क्या वो तो बाद में, पहले उन्होंने मध्यस्थता के लिए कहा है, पहले मध्यस्थता में विचार मंथन कर लीजिए, फिर तो अदालत को देनी है, वो तो सर्वोपरि है, वो मानेंगे, सारे मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, अच्छी तरह बिल्कुल मानेंगे, वो मानना पड़ेगा। तो आप भी बना रहे थे, वही आचार्य जी की तरफ से भी बनाई जा रही है, नहीं नहीं मानेंगे, सवाल लेकर आए क्या मध्यस्थता संजीव चौधरी, संजीव चौधरी नहीं हो सकता आचार्य जी, ठीक है, राम जन्मभूमि एक ही, संजीव चौधरी मुझे बताइए मस्जिद श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए राम जी का जन्म तो वहीं पे हुआ था जहाँ पे झगड़ा चल रहा है। हाँ, तो मंदिर कहाँ पर होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए वहाँ पे, अगर करोड़ों हिंदुओं को आस्था का प्रश्न है और अगर गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई भी दी जाती है तो क्या आपसी सौहार्द से, जबकि ये कहा जाता है कि मस्जिद को कहीं और जगह शिफ्ट किया जा सकता है और ये भी पक्ष रखा गया हिंदू पक्षकारों की तरफ से कि हम मस्जिद के लिए हम चंदा भी एकत्रित करने को तैयार हैं, आप जहां चाहेंगे वहां से दूर हम बनवाने को तैयार हैं, इस पर राजी होना, भाईचारा बना रहेगा, देश की तरक्की होगी। सवाल करा तो मैं बताऊं चौधरी साहब, पहली बात तो हमारे अभी ये प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मुझे इनका भी एक मिनट जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो सवाल जवाब आप लोग बाहर मंच पर करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब कोर्ट ने निर्णय किया है कि बैठ के निमटना चाहिए तो पहले कम से कम पहले से पहले ही ये निर्णय ले लिया जाए कि नहीं मानेंगे तो ये गलत होगा, ये बिल्कुल अनुचित होगा। पहले सब लोगों को, जो भी एक पैनल बनता है उसको बैठ के एक मीटिंग होगी, दो मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग होगी, कुछ ना कुछ हल ऐसी बात नहीं है, निकलेगा जरूर और निकलना चाहिए। और जहां तक रही बात मानने की, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी भी फैसले में बैठने से पहले सब लोगों को ये एक तय कर लेना चाहिए, या तो रिटर्न में या किसी भी तरीके से, जो भी वहां उस टाइम सिचुएशन हो, कि जो भी फैसला आएगा हम लोगों को मानना है, मानेंगे नहीं, मानना है, चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में आए, चाहे वो मोमडन के पक्ष में आए, चाहे वो किसी के भी पक्ष में, आपकी पार्टी इसके पक्ष में रहेगी है जी, आपकी पार्टी इसके पक्ष में रहेगी, बिल्कुल जो कोर्ट का निर्णय आएगा हमारी पार्टी हमेशा पक्ष में रहती है। ललित शर्मा जी, ललित शर्मा जी, आपकी पार्टी भी इसी पक्ष में है? देखिए हमारी पार्टी जो है शुरू से ही ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अगर जो जैसे हमारे मित्र भी कह रहे हैं कि मध्यस्थता के माध्यम से अगर ये चीजें हल हो रही हैं और हल होंगी तो वो तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जैसा अभी संजीव चौधरी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वहां पर जो आलम साहब कह रहे हैं कि अगर डिसीजन मस्जिद के पक्ष में आता है तो हमें तब भी कोई एतराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को भी कोई एतराज नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अगर रामलला की जन्मभूमि हरी झंडी है ना, इस पर सबकी हरी झंडी है कि सर, इसमें बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, सबकी हरी झंडी है, सबकी हरी झंडी नहीं होगी, उनसे भी करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग जो बैठे हुए इनसे कोई एतराज नहीं होगा, इनसे भी तो सलाम सलाह करना, सुनिए चौधरी, ये मुद्दा तो ये नहीं बचाने देना चाहते, इसलिए हमें बोलना पड़ता है ना, सुनिए ना, 5 साल में कहां सोए हुए थे सर, सुनिए ना मेरी बात, इस मंच पर हम सैकड़ों बार चर्चा कर चुके हैं राम मंदिर के मसले को लेकर, अक्सर ये देखा गया है कि पार्टियों के प्रवक्ता जो आज दावा करके गए हैं दूसरे दिन पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत बयान करके पल्ला झाड़ा गया है, इसीलिए कह रहे हैं कितना ऑथेंटिक आपका बयान माने। ललित शर्मा, अभी भी ये पार्टी का डिसीजन है कि डिसीजन जिसके पक्ष में आएगा उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। एक घंटे के में आपने इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों से पूछा है? अरे सर सुनिए ना, सवाल करना मेरा काम है ना, मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब दीजिए। ऑथेंटिकेशन का ये है कि हमारी पार्टी का ऑथेंटिकेशन सीधा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि यहाँ पे राम मंदिर है, ये बनेगा, तो अगर कांग्रेस पार्टी हमेशा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ खड़ी है। चले, कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ है कि मीडिएशन के जरिए जो भी तरीका निकलेगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी साहब ने भी स्पष्ट कर दिया, और ये कोई व्यक्तिगत बयान नहीं माना जाएगा, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी का स्टैंड है।
हरी श्रीवास्तव जी, अब इसी सवाल का जवाब आपसे भी, मीडिएशन के माध्यम से जो भी रास्ता निकलेगा आपको लग रहा है कि आप लोग वो उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा तो देश की जनता मानने के लिए तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट तय तो करे। मानेंगे ना, वही तो पूछा जा रहा है। कोर्ट लगातार इसको आप बताइए किसी न किसी रूप में उसको आगे बढ़ाता जा रहा है। आप बताइए, आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप घुमा क्यों रहे हैं बात को, आप घुमा क्यों रहे हैं? सर बात तो पूरी करने दीजिए। हरीश श्रीवास्तव जी, कोई इफ एंड बट तो नहीं होगा? नहीं, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तो इस देश की जनता इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही है। हाँ। आखिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्यों नहीं सुनाता इस विषय को लेकर के? यही तो देश की जनता की मांग थी, इससे कोई रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट, इस पर निर्णय का रोल नहीं है। मैं एक 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 सौरभ बसुता के रिएक्शन में आपसे लूंगा, चारों बीच मेडिएशन है। नहीं, हरीश श्रीवास्तव जी, सभी कह रहे हैं कि जो मध्यस्थता के माध्यम से फॉर्मूला निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगा, तो हम उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जब इफ एंड बट लगाते थे तो सवाल फिर एक बार खड़ा हो जाता है। सौरभ बसु साहब, इस एक घंटे की चर्चा के दौरान आपने वस्तुति समझने का प्रयास किया होगा कि क्या मंशा है, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हों, हिंदू पक्षकार हों या फिर राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हों। यदि और शायद जहां पर ये शब्द आ जाए तो उसके बाद उम्मीदें कितनी प्रबल नजर आती हैं आपको? नहीं, यही चीज मैंने कहा कि ये पहले आपको मुद्दा दिया जाएगा कि किस बातों पे आपको मध्यस्थता करनी है, तो वो मध्यस्थता आपके बीच में तीनों पक्ष को सुना जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट है आपस में, तो वो फिर से रिफॉर्मुलेट किया जाएगा। तो अभी तो ये चीज मध्यस्थता शुरू करने की बात हो रही है। हाँ। अभी से आप लोग निर्णय पे क्यों आ जा रहे हैं? ये मध्यस्थता शुरू करने की बात है। अभी आर्बिट्रेटर्स मीडिएटर्स की बात हो रही है कि कौन नियुक्त किया जाएगा, किसका पैनल बनेगा। हाँ। अब जजेस को डिसाइड करना है। ऑनरेबल जजेस इस पे बैठ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं इस पे। अब नेक्स्ट डेट पे समझ में आएगी कि कौन सी बात इन्होंने तय किया है आपस में। ये 5 जजेस बेंच को पहले अपने सौंपने तो दीजिए कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ये मेन मुद्दा हमारा आज का है कि मीडिएशन से जवाब चाहूंगा आपके हिसाब से। अगर ये प्रोसेस होता है, नहीं, लंबा प्रोसेस क्यों होगा? हमने आपसे कहा कि एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, आप अगर अग्रीड है तो ठीक है, उस पे शुरू हो जाएगा। आप अग्रीड नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपने पक्ष रखेंगे, आप अपने हिसाब से पक्ष रखेंगे, उस पे चर्चा होगी, उस पे मध्यस्थता होगी। ये चीज ऐसा थोड़ी है कि आपकी जो बात कही गई वही मान लिया जाएगा। वहां पे मीडिएशन के सामने भी एक ट्रायल का प्रोसीजर है कि आपको बोलने का मौका है, दूसरे पार्टी को बोलने का मौका है, तीसरी पार्टी को बोलने का मौका है। वो आपस में जो चीज कह देंगे वो डिसाइड करने का फिर पैनल की बात होगी, जो मीडिएटर्स का पैनल बनेगा उसकी बात होगी, उनको जो ठीक लगेगा वो होगा, वो आपके सामने फिर पेश होगा। अच्छा, कि ये निर्णय हुआ है कि इस पैनल के द्वारा समय से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि आप सर वाइंड अप का समय हो गया, आप अपने समय से आगे भी बढ़ गए हैं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ आज हम इस बहस को चर्चा में भी लेकर आए थे कि क्या मध्यस्थता के माध्यम से कोई विकल्प, कोई रास्ता खुल सकता है, हालांकि अभी बात तमाम पक्षों की तरफ से कही जा रही कि कोर्ट इस पे जो डिसीजन लेगा हम उसको मानने को तैयार हैं, वो चाहे मध्यस्थता के रास्ते निकले। लेकिन सवाल वही है कि सामने तो कहा जाता है कि हम सर्वोच्च अदालत के फैसले को मानने को तैयार रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे इस तरह के बयान जब सामने आते हैं कि पहले कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, ये लोगों के जहन में कहीं ना कहीं शंकाएं भी पैदा करता है और मंशा पर सवाल भी खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।